जामताड़ा में 2 घंटे के अंदर रेड कर इस ठग को ले आई दिल्ली पुलिस। आरोपी ने खाता बुक ऐप के कस्टमर सपोर्ट का झांसा देकर शख्स को लगाया था लाखों रुपए का चूना। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस आरोपी को पकड़कर दिल्ली लाई। साइबर ठगी की बात हो तो जामताड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। बॉक्साइट की खदानों के लिए मशहूर झारखंड का यह जिला आज साइबर ठगों के शहर के नाम से ज्यादा कुख्यात है। इसे लेकर वेब सीरीज तक टेलीकास्ट हो चुकी है। घर घर फैले फिशिंग के मकर जाल के बारे में सिनेमाई पर्दे पर देखकर लगता है कि इसमें अतिशयोक्ति ज्यादा है, लेकिन वहाँ रेड करने वाली जांच एजेंसियों के लोग कहते हैं कि यही वहाँ की हकीकत है। ऐसे में किसी दूसरे शहर की पुलिस के लिए तो वहाँ रेड करना और भी मुश्किल है। दिल्ली की शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस का यह दावा है कि महज 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन चलाकर वहाँ रेड कर एक ठग दिलवर हुसैन को गिरफ्तार कर दिल्ली के हवालात में पहुंचा दिया। वाकई अचरज भरा है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के एक शख्स को खाता बुक ऐप के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर 3.5 लाख रुपए का चूना लगा गया था। आरोपी के पास से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 4 बैंक डेबिट कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने 8 बैंक अकाउंट की डिटेल्स पता की। ठगी के 12 लाख रुपए इनमें से ही आए थे, इन्हें फ्रीज करवा दिया गया। इन ठगों ने अब झारखंड के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों को भी चूना लगाना शुरू कर दिया है व उन्हें रुपए पैसे का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं अकाउंट्स में ठगी की रकम मंगवाई जाती है। आरोपी उनसे नंबर लेने के बाद अपने मोबाइल नंबर को बैंक में रजिस्टर करवा देते हैं। इसके बाद उन्हें कमीशन भी नहीं देते। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।